नमस्ते किसान भाइयों, मैं श्यामकांत महाजन महेंद्र समिट एग्री साइंस लिमिटेड की तरफ से आज हम श्री अमृत लाल जी पटेल, गांव हलवत, तालुका हलवत, जिला मोरबी, डिस्ट्रिक्ट अपना गुजरात, ये लगभग 1600 पेड़ों के बगीचे में हम खड़े हुए हैं। 6 सितंबर 2023 के हिसाब से श्री अमृत लाल जी ने पानगिली करने के बाद पहला पानी हमने 6 सितंबर को देने के बाद आज अगर हम बगीचों को कितने दिन हुए देखेंगे तो लगभग ये 7 दिन का बगीचा है। लगभग 2 महीने इस बगीचे को पूरे हुए हैं। आज से 15 से 20 दिन पहले जब यह बगीचा फ्लावरिंग में था तब हम इसके बगीचे में एक बार विजिट करने के बाद जो शेड्यूल लिखी दिया हुआ था महिंद्रा समिट की तरफ से, उसमें हमने ड्रिप से फोसाइल मोको जिंक एलोवेम प्रो का एक स्तरी दिया हुआ था। उसके अलावा हमने फुल और सेटिंग के लिए 5, 55, 17 ये महिंद्रा समिट की जो ग्रेड है ये हमने दिया हुआ था। सेटिंग्स के लिए हमने जिंगो 1 लीटर पानी के लिए 1 ml और महिंद्रा या फन डायग्राम के हिसाब से देने के बाद अगर आज हम इस बगीचे की कंडीशन देखेंगे तो हर पेड़ पे हम 90, 100, 110, 120 के आसपास सेटिंग देख सकते हैं। आशीष जी, एक बार बगीचे का पेड़ का अपना एक बार वीडियो दिखा दीजिए। और ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं, ये 3 स्टेज में आपको देख रहे हैं। एक तो पूरा सेटिंग हो गया है 70, 80, 90, 100 के हिसाब से। उसके अलावा दूसरा स्टेज हमारा फ्लावरिंग से लेके सेटिंग के बीच का स्टेज है। और तीसरा जो स्टेज है ये हमारा इस टाइप का कैप्सूल जो पीछे से निकल रहा है, जो जिस पेड़ में थोड़ा सा सेटिंग कम लग रहा है वहाँ पे फ्लावरिंग भी इंड्यूस हो गया है। तो ये 55, 55, 17 के रिजल्ट है। अभी इसके बाद 1-8 दिन में यह बगीचा पूरा सेटिंग हो जाएगा, तब की तारीख में ये अपना 120, 130, 150 के हिसाब से अगर अपना सेटिंग पूरा हो गया तो हम एक पेड़ के हिसाब से 35 से 40 किलो का माल यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नियोजन श्री अमृत लाल जी पटेल जी इनका। इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे समझ में आती है कि इनको पानी का ऑक्सीडेशन यानी कि जमीन का ऑक्सीडेशन, पानी का वापसा कंडीशन समझ में आ रहा है। नंबर 1, नंबर 2 इनके बगीचे में हम मधुमक्खी बहुत सारी देख सकते हैं। नंबर 3 जो लिक्विड ग्रेड्स और जो फॉलियर एप्लीकेशन इन्होंने फॉलो किया है, जो कैश एग्रो एजेंसी श्री आशीष जी के मार्गदर्शन के तौर पे इन्होंने जो शेड्यूल फॉलो किया है उसके बेस अगर हम देखेंगे तो इस बगीचे का सेटिंग बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हुआ है। अगर हम करंट की सिचुएशन में अगर हम देखेंगे कि हमारा जो इस एरिया है गुजरात का, हलवद हुआ, कच्छ हुआ, भुज हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनार के बगीचे बड़े पैमाने में हैं। और कुछ गांव तो ऐसे है वहाँ के गांव के गांव वहाँ पे अनार के, तो हमारी तरफ मधुमक्खी का बहुत शॉर्टेज हो गया है ज़्यादा अनार होने के कारण। तो उसके कारण क्या हुआ है कि इस साल जो हस्तबहार का जो बगीचा हम पकड़ते रहते हैं अगस्त एंडिंग में नहीं तो फिर सितंबर के शुरू के दिनों में, तो इस बार 70 से 80% बगीचों की सेटिंग जो हो गई है वो ड्रॉपिंग हो गई के कारण फेल हो गए हैं। तो इस साल थोड़ा सा मौसम जो है जो ख़राब होने के कारण हमारी तरफ 70-80% बगीचे फेल हो गए। जो किसानों ने शुरुआत से लेके आज तक का यानी कि पहले 50-60 दिन में जो शेड्यूल फॉलो किया है उनके ही बगीचे आज अच्छी तरह से फ्लावरिंग और सेटिंग के बीच में है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा, अगर आपको अपने बगीचों में अच्छी फ्लावरिंग सेटिंग होने के लिए कुछ मार्गदर्शन होना होगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छी तरीके से जो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट है मार्केट के हिसाब से, पेड़ के हिसाब से, उस तरीके का मार्गदर्शन हम प्रोवाइड करेंगे।